स्कूल के लिए क्या सोच रहे हैं भैया? स्कूल के लिए हम सोचते हैं कि 25-30 साल से जो है ये बच्चों और मास्टर जो झेल रहे हैं वहाँ बिल्कुल क्या है कि पूरा खराब है। वहाँ पूरे पानी ही पानी भरा रहता है स्कूल में, और अंतरिक्ष भवन में जो है बच्चे पढ़ते हैं। और क्या है कि स्कूल जब अच्छी बन जाते हैं हम सोचते हैं तो अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलता, ये पूरे स्कूल में पानी भरा रहता है, उसके आंगन में भी पानी भरा रहता है। पूरा स्कूल में क्या है, बच्चे आते हैं पानी में तो बैठेंगे ही नहीं, इस वजह से जो है अंतरिक्ष कक्ष में है ये बच्चों रहते हैं, बंद हर साल का नियम है, पूरा बारिश बंद ही रहता है। यहाँ की समस्या यही है कि स्कूल तो है मगर स्कूल की दम नहीं है, मरम्मत होना बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात बच्चों को बड़ी तकलीफ होने कारण से अतिरिक्त कक्ष में स्कूल लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे शिक्षक लोग हैं, शिक्षक लोगों की भी थोड़ा सा कमी है। 2 तारीख को नल आवेदन लगाने से ये नल जो है चालू हुआ है, और इसमें प्राप्त पानी जो है नहीं मिलता है। सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम। 1 साल नहीं, जब से जो ये रसोई का कार्यक्रम चला है यहाँ गांव में, तब बिल्कुल पानी ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा नल चलता है, फिर इसके बाद ज़्यादा नहीं बरसात में, अब पर्याप्त पानी भी नहीं निकलता उसमें, बिल्कुल एकदम 2-4 बाल्टी निकला, इसके बाद फिर बंद हो जाता है। और यही समस्या है, 1 किलोमीटर से पानी कुआं से लाना पड़ता। जो अभी नल जो बिगड़ी ही तो कहाँ से पानी ला रहे थे? तो फिर कुआं से पानी ला रहे थे। शौचालय तो है लेकिन शौचालय में क्यों नहीं जाते पानी नहीं। सोच के लिए कहाँ जाते हो? तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अच्छी स्कूल बन जाए, तो बच्चों पढ़ाई लिखाई अच्छी शिक्षा मिले, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी सोच हम गाँव वाले रखे हैं, और हम चाहते हैं कि स्कूल बन जाए और नवीन ही स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी है। सब लोग गांव बस्ती की देखते भी हैं, पर क्या करें आगे सोचते हैं। पर कई लोग साहब लोग आए, देख सुन लिए, विधायक लोग भी आए, पर अभी कोई सुनवाई नहीं। और हमें पर्याप्त पानी यही मिले स्कूल के पास, बच्चों को पर्याप्त पानी मिले, और रसोइयों को जब पानी मिलेगा तब बर्तन भाड़े जो है साफ सफाई रहेंगे और पर्याप्त पानी बच्चों को मिलेंगे। मैं चाहती हूँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीघ्र जांच करे ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूं कि इस पता पर कॉल कर हमारी मदद करें। श्री आर के पालनपुरी सहपुरा, मोबाइल नंबर 9425082807। मैं सूरजिया प्रस्ते, ग्राम दोम दादर, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।